रास्ता दिखा दे या खुदा। और आने के बाद फोन क्यों नहीं किया मुझे? कैसी हो? तो मेरे सामने पट। ये क्या कर दिया मैंने? अपने हाथों से अपने पुछ क्या कर दिया? कुछ नहीं किया तुम। इसे कुछ नहीं किया मैंने। तुम्हारी गलती नहीं है। है मेरी गलती? नहीं है तुम्हारी गलती। नहीं, तुम्हें खुद को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं है। और मुझे बताओ, दुरिया को एहसास नहीं होना चाहिए था कि उसकी शादी हुई भी है। शादी से पहले उसकी जिस से मर्जी दोस्ती होती, जो कजन होता उसकी जिंदगी में। लेकिन कोई मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता कि शादी के बाद उसकी बीवी गैर मर्दों के साथ फिरे। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। अच्छा किया कि तुम खामोशी से हॉस्पिटल से इधर आ गए, वरना वो लोग तुम्हें कमजोर समझते। और हम, हमारे खानदान की परवाह नहीं है उन्हें। हमारे खानदान की रिवायत, हमारी कदरें वो कहां गई? हमारे खानदान की बहू है वो, हमारे खानदान की, किसी सड़क चौप खानदान की बहू नहीं है वो। उसको खुद नहीं समझ तुम्हारी कोई गलती नहीं। आवाज से यू स्टेक काम। अब तुम देखना, उसके माँ बाप खुद तीर की तरह सीधे होंगे और उस लड़की को हमारे घर छोड़ के जाएंगे। लुक एट मी, ट्रस्ट मी, आई विल हैंडल दिस। तुम्हारी गलती नहीं है। ओके, थैंक यू। बस यूं समझे कि डेली का 64 से 65 लोगों का खाना तैयार करना होगा आपको। इतने लोगों का खाना? हम कोई गेटर थोड़ी है। और क्या जरूरत है ये टेंशन अपने गले लेने की? भाई पहले बनाना, फिर उसके बाद डिलीवर करना। बात सुनिए, आप अपने बॉस से कहिए कि वो किसी केटर से बात करें या किसी रेस्टोरेंट वाले से बात कर लें। घर आई रोजी को ठुकराना कुफराने नेमत होता है। और ये तो सोचो कि कभी कभी के ऑर्डर मिलना ये हवाई रोजी होता है। और ये एक लगी बंदी रकम मिलेगी। हाँ, जो लगी बंदी के चक्कर में वो बेचारी जो बंद रही है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अपने हिसाब से नहीं बल्कि सुइयों के हिसाब से चलना पड़ेगा इसे। ये मैनेज कर लेंगी। देखें, मैं तो ये कहूंगा कि आप एक बार मीटिंग कर लें आके, आप मिलेंगे आके, आपको पता चल जाएगा आपको पैकेज क्या मिल रहा है, आपका इन्वेस्ट कितना हो रहा है, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। उसके बाद करना ना करना फैसला तो आप लोगों का ही है ना। नहीं नहीं, आप बात, आपका ऑफिस किधर है? इतनी लापरवाही, ना नंद ने फोन किया ना शौहर ने पूछा, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? जब अल्फाज बेमानी और तसल्लियां बेमकसद हो जाएं तो खामोश रहना ही बेहतर। लेकिन मंजूर, आप उन्हें एहसास दिलाएं कि उन्होंने हमारी दुरिया के साथ क्या जुल्म किया है। खरीदा एहसास दिल से होता है, दिलाया नहीं जा सकता। तो क्या आप खामोश रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे? अबू, मैं वहां नहीं जाना चाहती। वो इंसान नहीं है अबू, उसके सीने में दिल नहीं है, कोई एहसास नहीं है। प्यार तो आज तक भीख समझ कर भी नहीं दिया उसने, लेकिन जलील हमेशा दिल खोल कर करता है। अगर मैं वहां गई ना अबू, तो मैं मर जाऊंगी। जो दुनिया की कोई कीमती चीज खुशी दे ही नहीं रही। मुझे लगता था पैसा दुनिया की हर खुशी दे सकता है, लेकिन ये जो जिल्लत का एहसास है मुझे खुश रहने नहीं देता अबू। प्लीज, किसी तरह मुझे अपने घर में जगह दे दे। मैं वहां गई तो मेरा दिल फट जाएगा अबू। जो उस शख्स की शक्ल से नफरत हो गई है, मेरा
दिल खाली हो गया है अबू, मैं खाली दिल के साथ कैसे ये रिश्ता निभाऊं? मुझसे ये मुशक्कत नहीं होगी अबू, प्लीज। आज उसके एक धक्के से मेरा बच्चा खत्म हो जाता, कल उसके ऐसे किसी धक्के से आपकी दुनिया खत्म हो गई तो। ये मेरी बेगम है, मिसेस कदर हमाद। खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत टेस्ट है इनके हाथ में। जब से हमारी शादी हुई तो घर पे खाना यही बनाती हैं। एक दफ़ा पता है क्या हुआ, अब हमारे घर पे न्याज थी और इन्होंने बनाया हलवा, और वो जब हमने मोहल्ले में बांटा तो इनके टेस्ट की वाह हो गई। टेस्ट की वजह से ही हम ये एग्रीमेंट कर रहे हैं सर। जी जी, ये एग्रीमेंट है, आप इसे पढ़ लीजिए। ये एडवांस चेक, इकाई ढाई सैकड़ा मां, हजार, दस हजार, एक लाख। मुझे लग रहा है कि आपके बॉस से कुछ गलती होगी, वो इजाफी सिफर लग गए हैं। सर आपकी टोटल रकम 6,72,000 बनती है सर, ये उस रकम का आधा है, बाकी फर्स्ट को। जी। साइन कर लें। अजीब बेपरवाह लोग हैं। एक दफा जो पलट के फोन किया, लड़की वालों में इतनी अना अच्छी नहीं लगती है। इतनी अना है तो रखे अपनी बेटी को अपने पास, मैं भी उसके लिए मरा नहीं जा रहा। वासे मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं सिर्फ अपने खानदान की इज्जत का सोच रही थी। तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है उससे, तुम्हारे निकाह में है, होगी वहां अपने कजन के साथ, इसीलिए दिल लगा हुआ है ना दुरिया का।
मुझे शक है कि जरूर दुरिया और उसके घर वाले कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। ये लो भाई, गर्मा गर्म चाय। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों? शुक्रिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? क्या करूं, कंधे दबा रहा हूं और क्या, इतना थक गई हो काम कर करके। नहीं नहीं छोड़ें प्लीज, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। भाई किस बात की शर्मिंदगी? मतलब बीवियां शौहर का काम कर ले वो ठीक है, लेकिन शौहर बीवी की खिदमत ना करे? हाँ क्या बात है। और वैसे भी ये जितना तुम काम कर रही हो ना, ये अपने साथ ठीक नहीं कर रही तुम। अच्छा इधर आए। शुक्रिया। और जहां तक काम की बात है, सच बताओ ना तो इस थकन में सुकून मिलता है। जी, लोग थकन के मारे अपना इरादा बदल देते, और तुम हो कि तुम्हें जरूर आता। क्या बात है, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। देखो अपने लिए एक दो औरतें रख लो जो तुम्हारा हाथ बटाए, या फिर ये बड़े बड़े ऑर्डर लेना छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे, अभी अल्लाह अल्लाह करके तो हमारा कारोबार चला है। वैसे भी घर आए रिस्क को ठुकराना कुफराना है नेमत होता है। हाँ तो इस नेमत को दूसरों के साथ बांट भी लो ना। और जिससे तुम काम कर रही हो ना, मैं बता रहा हूँ कुछ अरसे में बीमार पड़ जाऊंगी। और ऐसा कभी हो नहीं सकता, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि जिसके पास आप जैसा ख्याल करने वाला शौहर हो, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। अब वैसे ये आप बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि काम बढ़ रहा है तो शायद हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैं मम्मी से बात करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि कोई मोहल्ले में देखे कोई जरूरतमंद खातून हो तो उनको भेजें। ठीक है, चाय कैसी बनाई है देखो। ठीक है बताती हूँ। क्या आपने बनाई है चाय? हाँ मैंने बनाई है। सच कह रहे हैं? हाँ मैंने बनाई है। क्योंकि ये बहुत अच्छी चाय है। आप साथ में चाय का काम भी ना शुरू कर दें। वाह, आपका तो बड़ा दिमाग चलता है, बिजनेस माइंडेड हो गए आप। थैंक यू थैंक यू। कदर, कदर जी आ जाओ, छोड़ दो सब छोड़ दो इसको। एक चीज दिखानी। अरे लग जाएगी। अरे चपली से आओ तो सही ना, दो मिनट के लिए। अब ये क्या है? अच्छा लगेगा ऐसा बता। कोई बात नहीं नहीं एक सेकंड रुक जाओ। अब ये क्या? अच्छा अब देखना नहीं क्या कर रहे हैं? तो नजर आ रहे कि नहीं? हम आ गए। आपके अलावा इस घर में हम भी रहते हैं, आपकी अम्मा भी रहती हैं। जी मुझे पता है इस घर में कौन कौन रहता है, अगर ज्यादा मसला है ना तो आंखें बंद कर लें। चल 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 आगे देख के देख के देख के देख के देख के नहीं चल अच्छा, सब देख के बातें कम। तौबा है भाई, इनके सस्ते रोमांस से तो आजिज आ गई हूँ मैं। छोटे भाई है क्या? गिरना जा अच्छा आगे सीढ़ियां आ रही है पहले। अच्छा देख के ध्यान से। अरे ओए अच्छा ध्यान से तुम भी गिरोगी मैं भी गिरूंगा। सीधा चलो। अच्छा खोलू? ना 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 थोड़ा सा रास्ता रह गया, थोड़ा सा है क्या? ओके रुक जाओ बस यहाँ पे। ओके अच्छा आंखें बंद। प्रॉमिस ओके अच्छा आंखें नहीं खोलना अभी, ना खोलना अभी। रेडी हो? रेडी। तीन तक गिनूंगा। 1, 2, 3 ये किसी गाड़ी? ये हमारी गाड़ी और किसकी होनी है? हमारी गाड़ी है। हाँ ये हमारी गाड़ी है। हाँ भाई आज ही लिया, हमारी गाड़ी है। हम बैठ के जाएंगे इसमें? हम दोनों ही बैठ के जाएंगे, ये हमारी गाड़ी है। मैं खुश हूँ।
अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कबली असली है, छोड़ो तुम गाड़ी में बैठो, रोने का नहीं हो रहा, रोना नहीं है, रोने अब गाड़ी में बैठो, कुल्फी खानी है, चलो 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 चलो, वो बोतल देंगे, बोतल बोतल भी, और बात सुनो, बैंक अकाउंट खोल रहे हैं हम अपना। क्यों? क्या पैसे गाड़ी में रखेंगे? अच्छा हुआ माशाल्लाह वाली गाड़ी ली है, यही तो सारी बात है। एक सेकंड एक सेकंड सुनो, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं घर में, मैं उन्हें खुद पता लग जाएगा, अभी हम तस्वीरें लगाएंगे ना। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी तरबियत ही नहीं ठीक हुई। वो कैसे? मैंने भी ठीक ठाक ज्यादतियां की उसके साथ। खुदा ना खास्ता ऐसा क्या कर दिया तुमने? मैं गुस्से में जानवर बन जाता हूं। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। तुम्हारे जो इमरान भाई हैं वो बड़े आसान इंसान है ना, मेरे साथ भी जो होता है वो मैं खुद तक रखती, तुम्हें बताती नहीं हूं कि कहीं मेरा घर ना उजड़ जाए। क्या उन्होंने कभी आप पर हाथ उठाया? मैंने कहा है ना तुम्हें कि मैं दिल की बात दिल में ही रखती हूं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वहां पर हाथ इसी रिएक्शन की वजह से। देखो सच्ची बात यह है कि मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है और मैं उसके बगैर रह नहीं सकती, और जब मैं उसके बगैर रह नहीं सकती उसके साथ रहना चाहती हूँ तो मैं खामखा क्यों तंग करूं, तुम्हारा भी सुकून बर्बाद करूं और उसका भी। ऐसा होता है प्यार? इसी मोहब्बत की तो मानना थी मुझे भी। देखो मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे, मैंने तुम्हारी शादी करवाई थी, मैंने पसंद किया था उसे, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी जन्नत बन जाए, उसने तो अजाब बना डाला। अच्छा देखो मैं जाती हूँ उसके घर एक दो दिन में ना, उसे मना के ले आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है ना उसके घर जाने की ना उसे हलाने की। ऐसे कैसे होगा वासे, उसकी कोख में तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी निकाह में है, अगर रिश्ता रखना है तो फिर उसे निभाओ, वरना फिर इस किस्से को खत्म करो। बच्चा हम कोर्ट से ले लेंगे, वैसे भी देखो इस्लाम में बच्चा बाप का ही होता है, उसे ही मिलता है। देखो तुम्हारे लिए मेरे भाई के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं, अब तुम क्या करोगे, मेहनत मुशक्कत से खुद को बदलोगे एक औरत के लिए? हम कोई ऐसी लड़की क्यों नहीं ले आते जो अपने आप को बदले तुम्हारे लिए? इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं, उसे वहीं पड़ा रहने दे। पड़ी तो मेरे नाम पे रहेगी ना? हाँ, अपने कजन के साथ मजे करेगी और फिर आखिर में तुम्हारे हाथ में खुला का पेपर थमा देगी। ऐसा भी तो हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई हो। उन लोगों ने कुछ किया है तुम्हारी गलतफहमी को दूर करने के लिए? कुछ देर ठहर जाए, मुझे, मुझे मुझे सोचने दे। ठीक है, जला लो तुम अपना दिल, लेकिन एक बात याद रख, कोई रोग लगाने की जरूरत नहीं है, मर्द को हजारों लड़कियां मिल जाती हैं और बच्चे भी पल ही जाते हैं।
ये क्या? देखो तो सही। अरे आओ ना, देखो तो सही। ये है तुम्हारा नया सेटअप, कदर केटरिंग सर्विस। अब यहां पे बैठ के ना सब पर ऑर्डर चलाना तुम। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारा ही है भाई। कर सकती है वो, ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? जान से मार दूंगा मैं उसे, जान से मार दूंगा मैं उसे, कैसे कर सकती है मेरे साथ? देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? ये कहने के लिए आए हो? आपने तो अपनी बेटी का घर बसाना नहीं, मैंने सोचा मैं ही अपनी शक्ल दिखाऊं, कहीं भतीजे के सामने भूल न गए हो कि बेटी शादीशुदा है। अपनी वहशत का इलाज कराओ परखुदार, इस वहशत में तुम ये भूल गए हो कि वो दुरिया से 2.5 साल छोटा है। मर्द की उम्र नहीं देखी जाती, सिर्फ अकाउंट देखा जाता है। पहले फारिग था ना वो, सुने बड़ी जॉब लग गई है, बड़ी पोस्ट मिल गई है, इसलिए उसे घर बुला लिया और साथ में बेटी को भी। बकवास बंद करो, एक लफ्ज मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे भी तुझसे कोई बात नहीं करनी, अपनी बीवी से बात करने आया हूं मैं। और नहीं करना चाहती तुमसे कोई बात? इसे कैसे बात नहीं करना चाहती वो? हाँ बीवी है मेरी, शोहर उसका मैं, मेरे बच्चे की मां बनने वाली, देखता हूं कैसे। रुक जाओ, बाहर निकल। चीखो मत,
तुम्हारे चीखने से हम लोग डर नहीं जाएंगे। टके की लड़की बाहर निकल। दुरिया ये क्या हुआ? संभल के बेटा संभल के। क्या हुआ? से बाहर आ गया है। मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। हम नहीं भेजेंगे तुम्हें। वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वैसे हम शरीफ लोग हैं, हमारा तमाशा मत बनाओ। अबे चुप! पहले अपने गरीबान में तो देख, तेरा तो खानदान ही नीच और घटिया है। वैसे मेरे सब तो मत आजमाओ। पुलिस को बुला लो। अपनी बीवी को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा मैं। दुरिया कहाँ है? दुरिया कहाँ है? दुरिया तुझे बाहर निकलो यार। खुला के पेपर तुम्हें मिल जाएंगे। मौका तुमने जुनूनी पागल इंसान हो। मेरी बेटी तुम्हारे साथ रही तो मर जाएगी। मरेगा तो अपनी बेटी के साथ तू भी मरेगा। तूने खुला की बात कैसे कही? जाते मार दूंगा सबको, तुझे भी उसे भी मार दूंगा सबको। जाते मार दूंगा मैं, छोड़ो मुझे, मार दूंगा मैं सबको। जाओ मेरे घर से। क्या खुद को ऐसे वैसे क्या हुआ? जान से मार दूंगा मैं उसे, उसके बाप को भी। समझती क्या खुद को? मुझे खुला लेके मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन उसे खुला नहीं दूंगा। बेगैरत समझा मुझे? इतनी सारी उसके ऐसे के लिए छोड़ दूंगा उसे मैं। पता है मुझे पहले शक था कि यही मामला है, वरना इस तरह कोई लड़की बिना आस्ते अपने मेके थोड़ी बहती है। बैठ बैठ के पूरी हो जाएगी लेकिन उसे दूसरा घर बसाने नहीं दूंगा मैं। मैं उसे बच्चा छीन लूंगा। मैं देख तो कैसे भी खुशी पूरी करती हूँ। अगर तुमने उनको मार दिया तो मेरा क्या होगा? वासे मेरा क्या होगा? मुझे किसके आश्रय पे तुम छोड़ के जाओगे? खुद तुम जेल चले जाओगे। तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? समझाते क्यों नहीं हो? देखो वासे, गुस्सा और किसी को मारना मसले का हल नहीं है। हम बात कर लेते हैं। नहीं बात नहीं। जंग होगी उस बुढ़े के साथ। इतनी जवान बेटी पर इतना कर है ना, कितना क्या असर करता मैं उनका। अच्छा, बैठ तो जाओ ना, ठंडे हो जाओ। नहीं बैठना मुझे। अच्छा ये बताओ कि क्या देख कर आ रहे हो वहां पे, बताओ। अच्छा लग रहा है। हवा कितनी अच्छी है यहाँ पे। हवा भी अच्छी आ रही है। सही कह यार, मैं कह रहा हूँ अगर इस पे मेहरून कलर हो जाए ना तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा ये। आइए अहमद भाई, देखिए ये कलर होने के बाद इसकी कैसी शक्ल निकल आती है। इंशाल्लाह अच्छा हो जाए। कदम जेलो तुम्हारा नया घर। पता, जिंदगी में पहली दफा ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसा काम किया जिस पे मर्द को फखर हो। अब वो अलग बात है कि पैसे तुम्हारे थे लेकिन तुम्हारे लिए छत का बंदोबस्त कर दिया। भाभी बड़े दिल से लिया है अहमद भाई ने आपके लिए फ्लैट। जी मैं जानती हूँ, बात ख्याल रखते हैं मेरा। तुम भी तो मेरा इतना ख्याल रखती हो। खैर जावेद साहब हम चलते हैं। चले और बस ये काम करवाते रहे। चले ठीक ओके। पता है कि मुझे तो भूख बहुत लग रही है। किसी फाइव स्टार में चल के खाते हैं। फाइव स्टार? हाँ फाइव स्टार।
जब बाद में घूरना मुझे, कहीं जा थोड़ी रहा मैं। अच्छा अच्छा अम्मा, बंदा झूठे मुंह मुबारकबाद ही दे देता। मुबारकबाद खुशी पर दी जाती है, मैं खुशी की बात नहीं। अम्मा कभी सोचा था कि मुझ जैसे निकम्मे निखट्टू के पास अपना घर हो? और पता है क्या मां, ये सब मेरी बीवी के नसीब का है कि आज मुझ जैसे के पास घर है, पैसा है, सब भर दिया उसने। तू मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा ना? अच्छा है ना, जाने दे, मेरे बेटे को कमरा मिल जाएगा। बंद कर अपनी बकवास, तुझे अपने कमरे की पड़ी है। ये मेरा बेटा है और ये मेरे साथ रहेगा। और गजब खुदा का, जब तक निखट्टू था माँ के पल्लू के साथ बंधा था, आज काबिल हुआ तो चला अपनी दुनिया बसाने। मैं मर जाऊं ना तो चले जाना अपनी बीवी का दामन थाम कर। ठीक है अम्मा, फिर तेरे मरने का इंतजार करते हैं। अम्मा अब तो थोड़ी इज्जत कर ले, साहिब जायदाद हो गया, बता दे रहा हूं। और पता है क्या, जब इज्जत मिलती है बहुत अच्छा लगता है। दरवाजा खोलो। अरे चुप क्यों रही है, दरवाजा खोल। अपने यार के साथ होना इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही। दरवाजा खोल, खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, बाहर निकलो। संभल के, अब जानते तो है उसका मिजाज। वो फिर मोहल्ले में तमाशा बनाएगा हमारा। इसे दरवाजा नहीं खोलते हैं, खोलो, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। शोर मत मचाओ, चले जाओ यहां से। क्यों शोर ना करूं, मेरी बीवी भेज दो, मेरे साथ में चला जाऊंगा। तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, समझ में नहीं आती तुम्हें? यही तो समझ नहीं आ रहा, बाप तो अपनी बेटियों का घर बसाने की बात करते हैं और तुम उसे खुला और तलाक दिलवा के घर बिठाना चाहते हो। अरे मंजूर साहब, क्या कह रहा है ये? बेटी मिलने आई थी, भेज नहीं रहे मेरे साथ। ये इस काबिल नहीं है कि मेरी बेटी इसके साथ जाए। अगर ऐसा है ना तो घर में बिठा के बात करें, क्यों पूरे मोहल्ले में तमाशा लगा रखा है? आखिर आपकी बेटी का मामला है। यही बात तो ये समझ नहीं जाए, अपने उस भतीजे के चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, वरना मैं गुत्थी से पकड़ के तुम्हारी जुबान काट लूंगा। अरे मंजू साहब दमा दे। जिसे खुद अपनी बीवी की इज्जत का ख्याल नहीं है, उसकी इज्जत को मोहल्ले में उछाल रहा है,
वो इस लायक नहीं कि मैं अपनी बेटी को उसके साथ भेजूं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? नहीं जाएगी वो तुम्हारे साथ। दफा हो जाओ सब, जाओ यहां से। रास्ता दिखा दे या खुदा।